अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आपके पास मैक्रोनी बच जाती है, लाइक अगर आप कुछ मैक्रोनी बना रहे हैं। वैसे मैं मैक्रोनी बना रही थी तो काफ़ी सारी मैक्रोनी मुझे लग रही थी, तो मैंने सोचा कि अब ये बची हुई मैक्रोनी का क्या करना चाहिए। तो जो है हम लोगों ने सोचा कि इसका सैलड बनाते हैं, मैक्रोनी सैलड। रशियन सैलड में भी आप जिस तरह का खाते हैं उसी तरीके से। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि अपनी मैक्रोनी को, जो बॉयल मैक्रोनी है, उसको मैंने बॉल में निकाला। देन उस पर मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया, मायोनीज ऐड की। मायोनीज थोड़ी ज़्यादा ऐड की क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सैलड तो मायोनीज तो चाहिए। तो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से जो है वो मायोनीज को ऐड कर सकते हैं। और उसमें मैंने कैप्सिकम, बीन्स, चिकन, कैरोट, जो भी आपको ऐड करना हो एज पर योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हो। और एक बहुत ज़बरदस्त सी साइड आइटम हो जाती है। और जो जैसे मुझे बड़ा पसंद है इस तरह का सैलेड और रशियन सैलेड, और काफ़ी अच्छा था। और जो मेरी बची हुई मैक्रोनी है ना, सबसे बड़ी बात है कि वो वेस्ट नहीं हुई और एक अच्छी आपकी चीज़ भी हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जब आपका कोई लेफ्ट ओवर आइटम हो या कोई चीज़ रह जाए तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर लिया करें। वैसे बनाई तो मैंने मैक्रोनी थी, उसकी रेसिपी मैं आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा सा एक आपका सैलेड रेडी हो गया। और ये एंड में मैंने मैक्रोनी की भी वीडियो अटैच की है। अगर आपको मैक्रोनी की वीडियो आप देखनी हो तो आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।